पैदावार बढ़ने की उम्मीद से सोयाबीन के दाम महीने भर में 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। सोयाबीन व्यापारियों के अनुसार नई फसल के भाव 5000 रुपए क्विंटल के नीचे खुल सकते हैं और माना ये जा रहा है कि भाव में अगर इसी तरीके से दबाव रहा तो 4000 का लेवल भी संभव है। दरअसल विदेशी बाजार में खाद्य तेलों के दाम गिरने के चलते घरेलू बाजारों में खाद्य तेलों पर दबाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच सरकार द्वारा देश में भी खाद्य तेल के भाव में कमी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सोयाबीन कारोबारियों का कहना है कि इस साल सोयाबीन की पैदावार बढ़ने के साथ ही इसकी क्वालिटी भी बेहतर रहने की उम्मीद है। किसानों ने नई आवक से पहले सोयाबीन के भाव ज्यादा मिलने की उम्मीद में इसका स्टॉक कर रखा है, लेकिन ऐसा न होने से अब मंडियों में आवक को बढ़ा दिया है। मंडी में इस समय 1500 से 2000 बोरी की आवक देखने को मिल रही है। वहीं माना ये जा रहा है कि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बंपर फसल की संभावना और सरसों का ज्यादा स्टॉक होने के चलते मलेशिया से कच्चे पाम तेल की कीमतों में कमजोरी, इन सब वजह से आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और ऐसे में बाजार 4500 से लेकर 4000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल बुआई के आंकड़ों पर नजर डाले तो सोयाबीन की बुआई इस साल पिछले साल के समान ही दिखाई दे रही है और सोयाबीन की बुआई अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब सोयाबीन के रकबे में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ज्यादातर सोया उत्पादक इलाकों में फसल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में अगर आगे नुकसान नहीं होता है तो उम्मीद है कि सोयाबीन का उत्पादन बढ़ सकता है और कीमतों पर दबाव लगातार बना रह सकता है। अगर उत्पादन में कोई नुकसान हुआ तो फिर कीमतों को निचले स्तर पर सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।